हाल ही में केरला के रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनके दोस्त का वीडियो कॉल आता है। अब जब वो वीडियो कॉल उठाते हैं तो उनका दोस्त बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उनसे 40,000 रुपए मांगता है। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने दोस्त को 40,000 रुपए तो दे देता है, लेकिन लास्ट में ये पता चलता है कि वो उनका कोई दोस्त था ही नहीं, बल्कि वो वीडियो एक्चुअल में AI से क्रिएट की गई थी। अब अगर आपको ये 40,000 रुपए कम लग रहे हैं तो ये जान लो कि पिछले 6 महीनों में ऐसे ही केसों से इन AI स्कैमर्स ने 35,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए हैं, और ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आखिर ये AI है क्या, और कैसे जॉब रिप्लेस होंगी, और कैसे स्कैमर्स इससे स्कैम कर रहे हैं। आइए जानते हैं सब कुछ। नमस्कार, कैसे हैं आप सब यार? आई होप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले बात करते हैं AI है क्या। देखो यार, अगर मैं AI को एक सिंपल मीनिंग में समझाऊं तो AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या एक ऐसा रोबोट है, या एक ऐसी मशीन है जो कि ह्यूमन के काम को आसान करती है। अब जैसे एक फार्मर का काम आसान करता है ट्रैक्टर, वैसे ही टेक्निकल फील्ड में इंसान की मदद करता है AI। अगर मैं AI को और ज्यादा डिफाइन करूं तो हाँ यार, AI अपने आप को डे बाय डे डेवलप करता रहता है। अब जैसे इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो वो कितना ज्यादा मासूम होता है, और बड़े बड़े होते होते उसको हर चीज का ज्ञान होने लग जाता है। वैसे ही सीन AI का भी है, जैसे उसको डेवलप किया जाता है वैसे ही डे बाय डे वो अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देता है। बट आज के टाइम पे ये इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि ये नौकरी खा रहा है और लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि यार क्या सच में AI के आने से जॉब रिप्लेस होंगी। तो यार ये एक कटु सत्य है, बट हाँ, AI के आने से जॉब तो रिप्लेस होंगी, बट ये भी है कि आने वाले टाइम में काफी नई जॉब्स भी आएंगी। देखो, इतिहास ये कहता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो पुरानी नौकरियां गई हैं। लाइक जब स्मार्टफोन आए थे तब लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर्स की जॉब गायब हो गई थी। वैसे ही एक और एग्जांपल दो तो जब हमारे घरों में गाड़ियां आई तो घोड़े गाड़ी चलाने वालों की नौकरी भी चली गई थी। अब ऐसी ही सीन AI का भी है, बट AI के साथ सीन ये है कि AI के आने के बाद क्रिएटिव लोगों की नौकरियां जा रही है। किसी को भी एक्चुअल में ये नहीं लगता था कि ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी क्रिएटिव नौकरी भी आने वाले टाइम के लिए खतरा बन जाएगी। अब मैं इसको बेसिकली आपको थोड़ा अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक बंदे को अपने स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए हायर किया, ठीक है। अब वो बंदा मुझे वीडियो के टॉपिक लिख के दे रहा है कि आने वाले टाइम पे यार आपको ये वीडियो देनी है, तो मैं आपको इसको लिस्ट बना के दे रहा हूँ। बट अभी के टाइम पे ये स्क्रिप्ट राइटिंग वाला काम ना लिटरली सेकंडों में हो जा रहा है। लाइक अगर मैं ChatGPT में जाता हूँ और इसको एक वीडियो का टॉपिक देता हूँ, जैसे मान लो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, मैंने इसको कहा कि विराट कोहली के ऊपर एक मुझे बेसिकली वीडियो की स्क्रिप्ट दे, वो भी हिंदी में, ठीक है। तो देखो इसने कितनी अच्छी तरीके से मुझे वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख के दे दी। अब यही काम मैं लिटरली पैसों में करवा रहा था, बट मैं क्यों करवाऊंगा यार पैसों में, जब मुझे ये काम फ्री में हो जा रहा है। तो ऐसे ही करके लोगों की नौकरियां जा रही है लिटरली। और एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स गायब हो जाएंगी। लेकिन यार अगर आप अभी डर रहे हो तो यार डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार उसी रिपोर्ट के अंतर्गत ये भी लिखा गया है अगर 85 मिलियन जॉब जा रही है तो 97 मिलियन जॉब नहीं भी आएंगी। देखो यार अगर मैं एक कंक्लूजन दूं कि यार जॉब जाएगी या नहीं जाएगी, तो यार सीधा सीधा कंक्लूजन ये है कि अगर आपको आने वाले टाइम में AI को यूज करना नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपकी जॉब जो है वो खतरे में है। स्टार्टिंग में मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि जब लोगों के घर में गाड़ियां आई तब घोड़े गाड़ी चलाने वालों की नौकरी चली गई। लेकिन यार यहाँ पे देखने की बात तो यह है ना कि जितने भी लोग घोड़ा गाड़ी चलाते थे उन सारी की नौकरी नहीं गई। जिसने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट नहीं किया उन लोगों की नौकरी गई, मतलब जिन्होंने गाड़ियां चलाना नहीं सीखा उन लोगों की बेसिकली नौकरी गई। तो मेरा यही सजेशन है कि AI को आने दो यार, वो अच्छी चीज है आपके लिए, बट उसको सीखना वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसको एट द एंड नहीं सीखोगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको ही प्रॉब्लम होगी। अगर आपको बेसिकली इसको सीखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। अब देखो यार, AI के आने के बाद सिर्फ एक जॉब का मसला नहीं है, यहाँ पे कई सारे स्कैम भी हो रहे हैं। हाल ही में एक्टर रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल होता है। अब हालांकि ये वीडियो डीप फेक के द्वारा बनाया गया था। अगर आपको डीप फेक के बारे में नहीं पता तो मैं मोटा मोटा ये बता दूं कि डीप फेक का मतलब होता है कि बेसिकली आपका फेस दूसरे के फेस के साथ चेंज होना। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको केरला का एक एग्जांपल दिया था जहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ 40,000 का स्कैम होता है। अब हालांकि उसी वीडियो कॉल में डीप फेक का इस्तेमाल किया गया था। अब ये डीप फेक के कारण इतने सारे लोगों को लूटा जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हो। बेसिकली लोगों को उनके दोस्त का कॉल आता है जिसमें वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और ये कहते हैं कि यार मुझे कुछ अमाउंट चाहिए। आप उस इमोशन को देखते हुए दोस्तों को पैसा दे तो देते हो, लेकिन लास्ट में ये पता चलता है कि वो आपका दोस्त है ही नहीं। और आज के टाइम पे ये फेस को चेंज करने वाला काम लिटरली बहुत आसानी से हो जा रहा है। आई थिंक एक स्कूल का केस भी अभी वायरल हुआ था जहाँ पर कुछ लड़कों ने बेसिकली लड़कियों की MMS वायरल कर दी थी, जहाँ पर बेसिकली वो थी नहीं बट उनका फेस वहाँ पे लगा दिया गया था। देखो यार, इस डीप फेक का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। बट यार अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मैं तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड बंदा हूँ कि नहीं मुझे तो ये सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसा नहीं यार। देखो स्कैमर जो होते हैं ना वो आपके दोस्त की क्लोन वॉइस तक बना सकते हैं। आज के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हो तो हर चीज को कटु सत्य मानना छोड़ दो। सोशल मीडिया में जो चीज आ रही है जरूरी नहीं है कि वो सच्ची हो, और आप उसको ज्यादा गले से मत लगा के चलो यार। हर चीज आज के टाइम पे सोशल मीडिया में ज्यादातर चीजें फेक ही है। बट देखो यार, कहीं ना कहीं AI के आने के बाद
काफी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आने वाला टाइम सिर्फ एआई का ही है। तो यही था यार आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हो सके तो एआई के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में एआई का बहुत बड़ा प्रकोप होने वाला है। मिलते हैं यार आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।